ये हाल है सिटी ब्यूटीफुल की सड़कों का, यानी चंडीगढ़ का। वही चंडीगढ़ जिसकी खूबसूरती और सलीके की भी कभी मिसालें दी जाती थी। पीजीआई के पास की सड़कें तो इतनी खस्ता हाल है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस पीजीआई में पंजाब, हरियाणा समेत हिमाचल से भी गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए लाया जाता है। ऐसे में सड़क से होकर गुजरना मुसीबत के कम नहीं है। सिटी ब्यूटीफुल की सड़कों का हाल दिखा देते हैं। खास तौर पर पीजीआई के बिल्कुल ही 200 मीटर दूरी पर जो राउंड अबाउट बना हुआ है, जो रोड बनी हुई है, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये सड़क आप देख सकते हैं किस तरह से टूटी हुई है और काफी महीनों से इस सड़क का यही हाल है। लोगों का कहना है कि बीते कई महीनों से ये सड़क इसी तरह टूटी हुई है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। प्रशासन इन गड्ढों में मिट्टी भरवा कर काम चलाओ काम करता है, लेकिन एक दो दिन बाद ही हालात जस के तस हो जाते हैं। जी, एक तो पेशेंट वगैरह जो हम लोगों के साथ होता है ना, वो बोलता भैया थोड़ा धीरे चलाओ। प्रयास तो करते हैं, लेकिन पीछे से कई बार कोई गाड़ी आती है, साइड करनी पड़ जाते हैं। उसके लिए आप गड्ढा भी है तो गड्ढे भी ले जाना पड़ेगा। तो कई पेशेंट मतलब ऐसे एक जो उसको डिलीवरी फाइनल होके आता है या कई ऑपरेशन करा के आते हैं, कोई इस तरह का भी पेशेंट है जो उनको काफ़ी परेशानी होती है। जी मैम, मोस्टली बहुत दिक्कत होती है जो पेशेंट होते हैं कईयों के, जैसे पेन वगैरह होती है। यहाँ पे एक गड्ढे है, उसकी वजह से जब डिप होता है तो बहुत पेन होती है, तो लोग कई बार उतर के जाते भी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब उतर के जाना पड़ता है लोगों को। सड़कों का ये हाल सिर्फ पीजीआई के पास ही नहीं, शहर में कई जगह सड़क पर गड्ढे नजर आ जाते हैं। प्रशासन सिर्फ पैबंद लगाने का काम करता है, जो नाकाफी साबित होता है। काफी दिन से टूटा पड़ा हुआ है सारा को रास्ता, काफी दिक्कत आ रही है। मरीजों को ले जाते हैं, पेशेंट को भी दिक्कत होती है, झटका लगता है। कहते हैं आराम से चलाओ, जितना भी आराम से चलाओगे झटका तो लगेगा, रास्ता खराब है। अभी तक क्यों नहीं बनाई गई, कभी किसी ने पूछा यहाँ पर? यहाँ किसी ने नहीं होते हुए देखा कभी? किसी काम नहीं होते, जब गड्ढे हो जाते मिट्टी इट्टी पड़ जाती है बस। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इन हालात से वाकिफ नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद के मुताबिक पीजीआई चौक के पास सड़क के नीचे से पानी की पाइपलाइन गुजर रही थी। सड़क पर वाहनों का दबाव काफी ज्यादा होने की वजह से आए दिन पाइपलाइन टूट जाती थी, जिसकी वजह से सड़क की हालत खराब हो जाती थी। अब लीकेज की समस्या दूर कर दी गई है, लिहाजा जल्द ही सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। सड़क की जो क्रस्ट है उसमें जगह बहुत कम थी, जिसके कारण से वहाँ पे पाइप दब जाती थी और वो लीकेज स्टार्ट हो जाती थी। अब उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कर दिया ऐसा कि जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फुल प्रूफ अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया। अगर लीकेज पहले से हो जाती है, क्योंकि जो लीकेज हो रही थी उन्होंने ठीक तो कर दी है, तो कोशिश करेंगे कि दिवाली से पहले या दिवाली के बाद ही मिजली इसी महीने के एंड में उसको कार्पेटिंग कर देंगे। चंडीगढ़ की कई सड़कों को बनाने और मरम्मत की जिम्मेदारी प्रशासन के पास है, तो कई सड़कें नगर निगम के तहत आती हैं। शहर के मेयर राजेश कुमार के मुताबिक शहर की सड़कें सुधारने के लिए 15 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, जल्द ही हालात सुधर जाएंगे। पोर्टल मैंने शीघ्र ही उसके रिपेयर करी है, पोर्टल की आपने देखा होगा, पोर्टल मैंने रिपेयर करा दिए सारे, ऐसा वो नहीं है, लेकिन सड़क जो भी था उसमें प्रॉब्लम है वो सारी मैंने ठीक करा दी है, लेकिन पोर्टल रीअकर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लंगर वाले बैठे हुए हैं वो पानी फेंकते हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ सफाई करते हैं कुछ, उसकी वजह से रीअकर होते हैं। लेकिन अब मैं अब कोशिश करूँगा, अगर कोई रेमडियल मेजर मेरे को करना पड़ा, कोई रोड गली वहाँ पे बनानी पड़ी, तो वो भी बना के हम उसका शिगरी इसका इसको रेमडियल मेजर लेंगे। प्रशासन जल्द ही सब ठीक होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे ठीक उलट है। इन सड़कों से गुजरने वालों के जहन में यही सवाल उठता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। निकिता महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।